उसने इस्लाम इतनी ऊंचाई पे कैसे था, मुसलमान इतनी ऊंचाई पे सबसे ज्यादा एजुकेशन में हिंदुस्तान में कौन पिछड़ा, मुसलमान। और उस अंधेरे में मोहम्मद साहब लैंप लेकर खड़े हुए, पैगंबर, हम तो उसके सामने कुछ है ही नहीं। ये पहला मंत्र है सफलता का, पढ़ना नहीं है। इस्लाम जब पैदा हुआ पूरी दुनिया में अंधेरा था, पूरी दुनिया में। आप कभी इस्लाम की हिस्ट्री पढ़ो, यूरोप औरतें जलाई जा रही थी विच हंटिंग के नाम पे, विच हंटिंग, हिंदुस्तान सती प्रथा, चीन में तो लड़कियों को ऐसे ही मार डालते थे, पूरी दुनिया में अंधेरा। और उस अंधेरे में मोहम्मद साहब लैंप लेकर खड़े हुए, इस्लाम, प्रेम, मैसेज। हुजूर साहब गुजरते थे एक रास्ते से, कोई महिला उनके ऊपर डेली कूड़ा फेंकती थी, हमारे आपके ऊपर फेंक दे हम तो गोली चला दे तुरंत, कि वह कूड़ा फेंकोगे, वो भी हम मतलब मैं, वाजीराम के टीचर, इतनी औकात तुम्हारी। पैगंबर, पैगंबर, हम तो उसके सामने कुछ है ही नहीं। पैगंबर, मालिक का सीधा हाथ है उस आदमी के सर पे। एक दिन उस महिले ने कूड़ा नहीं फेंका, वो मकान के अंदर गए, पता किया कि मोहतरमा कहाँ है, पता चला बीमार है, गए हालचाल पूछा, कहा मालिक से दुआ करूंगा कि आप जल्दी ठीक हो जाए। ये है, ये हमसे लोग पूछते हैं, मैं मेडिवल इंडिया पढ़ाता हूं, लोग मुझसे पूछते हैं इस्लाम इतनी ऊंचाई पे कैसे था, मुसलमान इतनी ऊंचाई पे कैसे थे, स्पेन से लेकर चाइना सी, कैस्पियन से लेकर हिंदुस्तान, पूरे इलाके में मुसलमानों का कब्जा। क्यों? क्योंकि वो अपने उस वक्त पैगंबर को समझते थे कि जीतने के सिद्धांत क्या है, जीतना तलवार से नहीं, तलवार से तो लूटा जाता है, चोर किस चीज का इस्तेमाल करता है, तलवार का। ये मैसेज है, मैसेज। इकरा शब्द फैजल साहब ने लिया कि सर हम तो अपनी इंस्टीट्यूट का नाम इकरा रखेंगे, मैंने कहा बिल्कुल, मैंने कहा, इन्होंने मुझसे पूछा कि हम इंस्टीट्यूट का नाम क्या रखें, हमने कहा इकरा रखो, बड़ा अंधेरा है दुनिया में, इकरा मतलब पढ़ो। आज सबसे ज्यादा एजुकेशन में हिंदुस्तान में कौन पिछड़ा, मुसलमान। पैगंबर हमारा कह रहा है, हमारा, वो हम सब के पैगंबर है, किसी खास विशेष के नहीं है, वो कहता पढ़ो, समझो। तैफ शहर का नाम सुना होगा, काफी लोग बैठे हो तैफ, वहां के लोग हुजूर साहब को पत्थर मारते थे, गाली देते थे। अब हमको कोई यहां गाली दे, और सैफिर यहां के कमिश्नर है, धौले साहब आईजी है, तो मैं तो जाके इनसे कहूंगा कि सब एनकाउंटर करवा दो, मरवा डालो इनको, ये हमको गाली दे रहे सब। जिब्राइल साहब ने हुजूर साहब से कहा कि कहो तो, तैफ शहर दो पहाड़ों के बीच में है, तो उन्होंने हुजूर साहब से कहा कि कहो तो दबा दूं, अरे बोले नहीं जाने दो, ये लोग, ये जो मुझे पत्थर मार रहे हैं ना, किसी दिन यही हमारे पैरोकार होंगे। मैसेज, आप पढ़ते को स्ट्रेस लेकर, पढ़ना है मुझे नहीं, समझना है। आप पहली गलती पता क्या करते हो, आप स्ट्रेस लेके काम करते, पढ़ना है, मैं नहीं कहता, आप किताबें इतनी प्यारी चीज है, इतनी, पर कब, जब आप उन्हें समझो। 1922 में, 1920, गांधी जी की फोटो देखकर याद आ गया, अब अगर मैं सबकी फोटो देखकर आपको कहानी सुनाऊं तो ये तो चलता रहेगा, तो गांधी जी पे मैं मसले को खत्म करूंगा। 1920 में इस आदमी ने असहयोग आंदोलन, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट चलाया ब्रिटेन।